हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पथ, और बिंदु पथ में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.2, तो उसका देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र एच हमारे पास है, त्रिभुज एबीसी ए का लंब केंद्र क्या है? एच। क्या है? एच। ए एच, बी एच और सी एच के मध्य बिंदु क्रमश है अक्ष वाई और जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र बी एच है। अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र भी क्या है? एच। क्या करेंगे? हमें एच क्या दे रखा है बताओ? लंब केंद्र। क्या दे रखा है? लंब केंद्र। एच क्या दे रखा है? लंब केंद्र। और ए एच, बी एच और सी एच के मध्य बिंदु क्रम से क्या दे रखे हैं? ए एच का तो मध्य बिंदु अक्ष, बी एच का मध्य बिंदु वाई और सी एच का मध्य बिंदु जेड दे रखा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र भी क्या होगा? अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र भी क्या होगा? एच। ये दे रखा। क्वेश्चन क्या है हमारा? त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र एच, ए एच बी एच और सी एच के मध्य बिंदु क्रम से क्या है? अक्ष वाई और जेड। रचना क्या करेंगे? ए डी लंब किसके ऊपर? ए डी लंब किसके ऊपर? बी सी पर। और बी एच लंब, बी लंब किसके ऊपर? ए सी पर, ठीक है। और सी एफ लंब किसके ऊपर? किसके ऊपर? ए बी पर, ठीक है। दिया क्या दे रखा है क्वेश्चन में? त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र, लंब केंद्र एच, एवं ए एच बी एच व सी एच के मध्य बिंदु क्रमश है, अक्ष वाई व जेड है, सिद्ध कर। सिद्ध कर। त्रिभुज अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र एच, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना। रचना क्या की हमने? ए डीर बीर सी एफ लंब डाले, ठीक है, जो कहां से गुजर रहे हैं? एच। रचना ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी, बी लंब ए, बी लंब ए सी व सी एफ लंब ए डी, खींचे
जो एक दूसरे को कहां पर विच्छेद करें बताओ, एच पर। प्रतिच्छेद करते हैं, हमें मध्य बिंदु दे रखे हैं। बताओ ए एक्स का मध्य बिंदु, ए एच का मध्य बिंदु एक्स, बी एच का मध्य बिंदु वाई। तो बताओ दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर है, आधा होता है। इसलिए अक्ष वाई समांतर एबी, अक्ष वाई समांतर दोनों मध्य बिंदु मिला दिया, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर। इसलिए अक्ष वाई समांतर एबी। इसलिए अगर अक्ष वाई समांतर एबी है, अक्ष वाई समांतर एबी है तो ये जेड एफ किसके ऊपर लंब होगा? एबी पर। किसके ऊपर लंब होगा? ये वाई जेड समांतर क्या है? YZ समांतर क्या है? BC। इसलिए ये अक्ष D किसके ऊपर लंब होगा? इसी पे होगा ना, BC। या AD लंब होगा किसके ऊपर? ठीक है, यही तो होगा ना। अरे यही तो होगा ना, कौन सा बिंदु दे दें? P क्यों R? कौन सा बिंदु दे दें इसको? R। अक्ष वाई किसके समांतर है? ये अक्ष वाई किसके समांतर है? AB। किसके हैं? AB। इसलिए जेड आ रहा है, बताओ किसके ऊपर लंब होगा? AB पर। इसलिए जेड आर लंब जेड आर शीर्ष लंब, जेड आर तेल। ठीक है, ये जो लंब है जेड आर ए बी किससे है? शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब, या ये संकेत भी जेड आर शीर्ष लंब
एवं वाई ग्रेड समांतर क्या होगा, वाई ग्रेड समांतर क्या होगा बीसी, इसलिए अगर वाई ग्रेड समांतर बीसी है तो ये अक्ष भी, अक्ष भी शीर्षलंब होगा किसके ऊपर बताओ, शीर्षलंब है बीसी। एवं अक्ष जेड समांतर क्या है, क्या बताओ एसी, अगर अक्ष जेड एसी के समांतर है तो ये वाई क्यू लंब किसके ऊपर होगा, इसलिए वाई क्यू शीर्ष लंब किसके ऊपर एसी। बताओ तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, H, क्या है एच है, इसलिए त्रिभुज अक्ष वाई ग्रेड का लंब केंद्र भी क्या होगा, इसलिए त्रिभुज अक्ष वाई ग्रेड का लंब केंद्र एच। देखो क्या किया हमने, त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र क्या दे रखा है एच, एवं एएच बीएच और सीएच के मध्य बिंदु क्रम से क्या है अक्ष वाई, सी क्या करना है अक्ष वाई ग्रेड का लंब केंद्र क्या है एच। रचना एडी लंब बीसी, बी लंब एसी और सीएफ लंब एबी, खींचे जो एक दूसरे को एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। उपपद, हम जानते हैं कि त्रिभुज दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखागण तीसरी भुजा के समांतर वह क्या होता है आधा होता है, इसलिए अक्ष वाई समांतर एबी, ये अक्ष वाई एबी के समांतर है तो क्या ये जेड आर शीर्ष लंब नहीं होगा क्या एबी के, हो जाएगा। इसी प्रकार वाई जेड समांतर बीसी है तो क्या ये अक्ष भी शीर्ष लंब नहीं होगा क्या बीसी के, होगा। इसी प्रकार ये अक्ष जेड समांतर एसी है तो क्या ये वाई क्यू शीर्ष लंब एसी पे नहीं होगा, होगा होगा, इसलिए त्रिभुज अक्ष वाई जेड का लंब केंद्र एच। देखते हैं आगे वाले, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु, त्रिभुज एबीसी एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो एक भुजाओं एबी और एसी से क्या हो, जो भुजाओं एबी और एसी से क्या हो समदूरस्थ, किसे समदूरस्थ ए बी और ए सी से, दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुवत क्या होता है प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। ये दो रेखाएं दो भुजाएं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से क्या ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुवत क्या होता है इस प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक, क्या होता है प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। भुजा एबी और एसी से क्या हो, एबी और एसी से क्या हो समदूरस्थ, तो बताओ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक, तो इस कोण एक की समद्विभाजक रेखा की त्रिभुज कौन सी,
कोण ए की समद्विबाहु रेखा कौन सी खींची बताओ? एएस। बीसी को कहां काट रही है? डी पर। कहां काट रही है? डी पर। कोण ए की समद्विबाहु रेखा कौन सी खींची बताओ? एएस। जो भुजा बीसी को कहां काट रही है? डी पर। अब इस एडी के ऊपर एक बिंदु ले लिया हमने, कौन सा? पी। कौन सा बिंदु ले लिया? पी। ये बिंदु पी क्या है? समदूरस्थ। क्या है बिंदु पी? क्या है? समदूरस्थ। कौन सा बिंदु लिया? ठीक, हमें तो समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है, तो ये पी बिंदु समदूरस्थ बताना है, तो कौन सा अलग डाल दे इसके ऊपर? तो कौन सा डाल दे बताओ? पी है। और इसके ऊपर कौन सा अलग डाल दे? पी है। ठीक है, क्या दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बता सकते हैं? एपी दोनों में शीर्ष लंब है 90-90। तीसरा ये एक्स समद्विबाहु है ना, अरे एक्स क्या बनाइए? कोण ए की समद्विबाहु रेखा ही तो बनाइए ना, ये पूरा 90 डिग्री था तो ये 45 डिग्री क्या होगा? 45। बता सकते हैं दोनों को? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए एक्स खींची जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, एवं एडी पर एक अन्य बिंदु, कौन सा लिया बताओ? अन्य बिंदु पी लिया, एवं पी बिंदु लेने के बाद में पीएम लंब तो डाला किसके ऊपर? पीएम लंब एडी व पीएन लंब बीसी खींचा। अब त्रिभुज ए पी एम व त्रिभुज ए पी एन में बता दो तीन कारण, ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुज, दूसरा कोण पी ए एम बराबर कोण पी ए एम, कोण ए की समद्विबाहु रेखा क्या है बताओ? क्या है बताओ? एक्स। अगर कोण ए की समद्विबाहु रेखा एक्स है तो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। तीसरा कोण ए एम पी बराबर कोण ए एन पी, कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष भुजा दो कोण है ना, कोण भुजा कोण है सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी, अगर सर्वांग सम त्रिभुज
बराबर होगा? पीएम बराबर पीएम, इसलिए अगर पीएम बराबर पीएन होगा तो इस एडी पे जितने भी बिंदु होंगे वो सारे ए और बी से क्या होंगे? ए बी और ए सी से समतुल्य। इसलिए एडी पर स्थित अन्य सभी बिंदु भी ए बी व ए सी से समदूरस्थ होंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी व ए सी से समदूरस्थ ऐसा बिंदु किस प्रकार लोगे ताकि वो ए और बी से क्या हो, ए बी व ए सी से समदूरस्थ। तो हमने क्या किया, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है बताओ? प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक। तो समदूरस्थ बिंदु प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रतिच्छेदी कोण को यानी कोण एक का क्या कर दिया, समद्विभाजक रेखा कौन सी खींची? ए एक्स, ठीक है। ए एक्स बी सी को कहां काट रही है? डी पर। और फिर इसके ऊपर एक बिंदु लिया पी, पी से ए बी के ऊपर पी एम लंब और ए सी के ऊपर पी एन लंब डाला, दोनों को क्या बताया? सर्वांग सम। क्या बताया? ए तो ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुजा, ये कोण 90 और ये कोण 90 शीर्ष, तीसरा ये कोण इसके बराबर समद्विभाजक रेखा है ना। अरे ए एक्स है कि नहीं कोण ए की समद्विभाजक, तो कोण भुजा कोण सर्वांग सम पासे दोनों त्रिभुज क्या बन गए? सर्वांग सम। इसलिए पी एन किसके बराबर? पी एन के। फिर अगर कोई बिंदु यहां लेंगे, फिर यहां भी लंब डालेंगे, यहां भी डालेंगे, तो यानी एडी के ऊपर जितने भी अन्य सभी और बिंदु होंगे वो सारे क्या होंगे? ए बी और ए सी से क्या होंगे? समदूरस्थ। अब विविध प्रश्न वाला 10। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद, किसी त्रिभुज के शीर्षों से किससे समदूरस्थ? शीर्षों से। क्या होगा बताओ? शीर्षों से परिकेंद्र या अंतःकेंद्र? परिकेंद्र या अंतःकेंद्र, क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। आई क्या बात समझ में? शीर्षों से समदूरस्थ, शीर्षों से वर्त बना रहा, क्या होगा? परिवर्त। परिवर्त के लिए क्या हो जाएगा? परिवर्त। दूसरा, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र या केंद्र किसको बोलते हैं? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। तो चार ऑप्शन बोल रहा हूं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से खींचे गए लंब समद्विभाजक का संगामी बिंदु, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगामी बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु और त्रिभुज के शीर्ष लंब का संगामी बिंदु। क्या होगा? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। तीसरा,
समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पते, ये समतल है ठीक है। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पते वो समतल से एक हमारे काय लुढ़क रहे थे वृत्त समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पद क्या होगा, केंद्रों को मिला दो क्या बन गई समांतर रेखा, क्या बन गई समांतर रेखा। तो ऑप्शन है इसमें वृत्त वक्र समतल के समांतर रेखा या समतल पर लंबवत रेखा, समतल के समांतर रेखा। यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज होगा बताओ, समद्विबाहु, क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो क्या होगा, अगर किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं समान हो तो क्या होगा संभव, क्या होगा संभव। देखो आगे वाला कैसे, यदि ए बी और सी डी दो असमांतर रेखाएं हैं, कौन कौन है, एक तो ए बी है, एक तो क्या है ए बी है और ए सी डी समांतर है या असमांतर, ये दोनों असमांतर रेखाएं क्या हैं, दोनों कौन सी रेखाएं असमांतर कौन सी हैं। यदि ए बी और सी डी दो असमांतर रेखा है तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु पी का, आ दोनों समान दूरी पर जो बिंदु छे पी, इको बताओ बिंदु पर क्या हम लोग प्रतिच्छेदी कोण का, दो दिए हुए बिंदुओं से दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, अरे प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है असमांतर रेखा, कौन सी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी होती हैं असमांतर रेखाएं ठीक है। तो असमांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होता है, प्रतिच्छेदी कोण का समद्विभाजक क्या होता है। तो देखना चार ऑप्शन, बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखा ए बी के समांतर रेखा नहीं, बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखा ए बी और सी डी से अंतरित कोण की समद्विभाजक, ए बी और सी डी से एक तो रेखा कौन सी है, एक तो ए बी, एक कौन सी है सी डी, देखना बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी और सी डी से अंतरित कोण, यही है ना एक कोण और ए को अंतरित कोण की समद्विभाजक है क्या ए बी है। तो बताओ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, प्रतिच्छेद कोण की समद्विभाजक, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें है, कौन सा आ जाएगा ठीक है। आगे बात समझ में, यानी असमांतर रेखाओं का दूसरा नाम क्या है प्रतिच्छेदी रेखा। आ जाओ छठे अंक के समय, वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतः केंद्र समपाती हों क्या कहलाता है, ऐसा त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या हो समपाती हों क्या कहलाता है, संभव त्रिभुज, क्या कहलाता है संभव त्रिभुज। अगर आपको कोई बोल दे ऐसा त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतः केंद्र समपाती हो, यानी एक ही हो, यानी लंब केंद्र भी वही हो परिकेंद्र भी वही हो और अंतः केंद्र भी वही हो क्या कहलाता है संभव त्रिभुज, ऐसा कौन सा त्रिभुज संभव है
संभव। ठीक है, आई क्या बात समझ में? ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके लंब केंद्र, परी केंद्र और अंत केंद्र एक समपाति यानी एक ही जगह स्थित हो? क्या गलत है? संभव। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है कहलाता है क्या? वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। वह त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। कोलम डाल नब्बे मंडल तो बैठे अठावन डाला नब्बे मंडल कौन बने? अट्ठासी डाला नब्बे कौन बने? ठीक है, लेकिन अट्ठासी डाल दें आपका लंब और लंब कटाऊ डाला समकोण सु समकोण शीर्ष सु। तो बताओ वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र है वो त्रिभुज का शीर्ष होता है, तो कौन सा त्रिभुज संभव होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा? कौन सा रहे? समकोण। आठ घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद लिखिए। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद क्या होता है? वर्ट का चार। अरे वो घड़ी आती है ना पेंडुलम वाली, वो उसका सुइया ऐसे चलता रहता है, अरे ऐसे लटका रहता है ना वो, तो कभी ऐसे ऐसे तो रहता है वो। अरे मान लो आप रस्सी का एक यहाँ रस्सी बांध दी यहाँ कील बना के है ना, फिर एक यहाँ पत्थर लगा उसको ऐसे ही लाते हैं, तो वे ऐसे ही तो जाती है ना, ऐसे ऐसे ही चलती है ना, तो क्या बन गया वो? वर्त का चार। क्या बन गया? वर्त का चार। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी, बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ हो तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ कौन? ई एफ किसको? एडी को क्या करेगा? समद्विभाजी। क्या करेगा? ई एफ एडी को क्या करेगा? समद्विभाजी। त्रिभुज ए की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रम से क्या है? D, E और F। तो EF किसको? AD को क्या करेगा? समद्विभाजी। EF AD को क्या करेगा? यानी ये EF AD ये कितने भाग बनाएगा? दो। इस वाले को क्या नाम दे दो? यानी हमें क्या सिद्ध करना है? OA किसके बराबर बताना है? अगर OA अगर OA OD के बराबर बता दें तभी तो EF AD को समद्विभाजित करेगा। ईर डीर एफ क्या है? मध्य बिंदु है ना, मिला दो मध्य बिंदु मिला दी। ठीक है,
ये दोनों मध्य बिंदु है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले एक अगर तीसरी भुजा के समांतर में क्या होता है? ये किसके समांतर होगा? इसके। ये समांतर होगा इसके, ठीक है। ये भी मध्य बिंदु है, ये किसके समांतर होगा? इसके। और ये किसके समांतर? इसके। बताओ एफ डी या ए ई ए एफ डी क्या बन गया? कौन सा? ये भी समांतर है। ए एफ डी क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? संधिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? तो बताओ इस समांतर चतुर्भुज ए एफ डी ई के लिए ए डी विकर्ण ई एफ विकर्ण दोनों एक दूसरे को कहां परिचित करें? ऊपर। क्या करेंगे? संधिभाजित। तो ए एफ डी को क्या बताना है हमें? क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सवाल कैसे करेंगे? त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी कौन कौन सी दे रखी है? बी सी सी ए व ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है बताओ? मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? डी ई डी ई व एफ। अगली बात समझ में। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है, इसलिए ये दोनों मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है ना, इसलिए ई एफ समांतर बी सी एवं ई एफ समांतर बी सी और डी एफ समांतर DF समांतर AC, DF समांतर AC एवं BE समांतर AB। अब बताओ हमें EF AD को संधिवाहित करता है, तो EF और AD कौन से चतुर्भुज के लिए विकर्ण बन सकते हैं? EF, ये तो रहा EF, ये रहा ए डी, तो कौन सा? ए एफ डी। तो ए यहां से ए समांतर हो गई, तो ए एफ डी क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। इसलिए ए एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समय द्विभाजित
विभाजित करते हैं, इसलिए AD को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। AD को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध करना था ना, इसमें सिद्ध करना था ना, तो थोड़ा कुछ चेंज करोगे इसमें, सिद्ध करना था। डी ई व एफ ये तो किसमें लिखना है? दिया है। यहां लिखना है सिद्ध करना। ई एफ एडी को समय द्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। यहां क्या लिख देना? हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा और तीसरी भुजा के समांतर में क्या होता है? आधा। इसलिए ये समांतर बी सी एम, बी एस समांतर ए सी एम, डी समांतर ए बी, इसलिए ए एफ डी सी क्या है? समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ईएफ एडी को समद्विभाजित करता है। ये मैं क्या करना था?